चलिए आप लोगों को भी रिपोर्ट दिखा ही देती हूँ कि क्या है। यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर अ कंप्लीट पैथोलॉजी सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का फिगोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और गाइस, मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक हुआ है पर पूरी तरह मैं ठीक नहीं हूँ। अभी भी मुझे वीकनेस फील हो रहा है। और गाइस, रिपोर्ट तो आज आ जाएगा तो बताऊंगी आप लोगों को मुझे क्या हुआ है, जो बार बार मेरा तबीयत खराब हो रहा है। गुड मॉर्निंग, तो कैसा करना रहा है? गुड मॉर्निंग, इधर आओ, मैं बुला रही हूँ। आ नहीं रहे हैं, रात में कहे नहीं आए थे जल्दी? क्यों नहीं आए? 8:30 बजे आए हैं। शाम में फोन करके बताई थी कि मुझे फीवर है बोल करके, और ये जल्दी आ ही नहीं रहे हैं। और मैं सोई हुई हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है आके बीच में मैं मतलब झुला रही हूँ टाइप से मुझे फील हो रहा है। और ये है कि जल्दी आ ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? सर को बोलना चाहिए ना, पहले आप रिसीव नहीं दे सकते थे, इतना लेट से आए हैं। लेकिन आए, फिर यही खाना वगैरह बना दिए थे और अभी भी खाना यही बना है। मैं मुझे चढ़ाई, मेरे हस्बैंड बहुत मदद करते हैं, ऐसे बुखार हो जाता है ना मेरा, बहुत कुछ काम वो ही करते हैं। झाड़ू पोछा वगैरह को छोड़ करके झाड़ू भी लगा देते हैं, पोछा भी कभी कभी तो लगा ही देते हैं। इतना जोर फीवर हो गया था ना कि क्या, उठना बैठना मुश्किल हो गया था। रात में भी मैं बाउंड्री के अंदर में घूम रही थी अकेले काफी देरी तक, ताकि ठंडा ठंडा हवा लग रहा था तो ठीक लग रहा था, क्योंकि बाद में तो फीवर उतर गया था इसी वजह से। देखिए, और फिर से मेरा मुंह सूख रहा है। आप लोगों को बोलती हूँ ना कि मेरा तबीयत खराब होता है, ये होंठ वगैरह ही सूखने लग जाता है। और गाइस, आज कॉलेज है, वही सोच रही हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ, फिर धूप में जाऊंगी पता लगेगा, फिर तबीयत खराब होगा। कॉलेज तो मुझे मिस करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैं रांची में हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे कॉलेज जाना चाहिए। टाइप स्थिति को फोन करी तो वो बोली कि मैं तो जा रही हूँ, तो मैं सोचा ही मैं भी कॉलेज जाती हूँ आज। और अगर आज जाऊंगी कॉलेज और शाम तक फिर से हमको फीवर हो जाएगा तो फिर कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी जब तक कि मेरा तबीयत ठीक ना। कहाँ नहीं जा रहे हैं? मेरे लिए भी पानी पहुँचा दीजिएगा, वॉशरूम मतलब नहाने वाले बाथरूम तक। हाँ ठीक है, तब तक भुंजिया बन जाएगा। चावल तो मेरे हस्बैंड बनाए हैं और मैं परवल और आलू का भुंजिया बना रही हूँ कम तेल में। डॉक्टर मुझे तेल मसाला चीज खाने मना किए हैं और ठंडा चीज खाने के लिए मना किए हुए हैं। ना फीवर मुझे इससे पहले नहीं हुआ है, ज्यादा मेरा तबीयत खराब वगैरह नहीं होता है। सिर दर्द तो जेन्युइन है, होता है मुझे, पानी में कम पीती हूँ। तो गाइस, अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं और ये रहा मेरा आज का खाना, सूखा भात और परवल आलू का भुंजिया जो कि बहुत कम तेल में बनाई हूँ। और इधर है पुदीना का चटनी और ये मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, और मेरे हस्बैंड तो पानी भात खा रहे हैं। रात का पानी भात खिला रही हूँ मैं इसको, क्योंकि मुझे नहीं खाना है, नहीं तो मैं ही खा लेती हूँ। ऐसे ये धूप के दिन में पानी भात ही खाना पसंद करते हैं। खाना वगैरह खा करके दवाई वगैरह भी मैं खा ली हूँ और फिर अभी जा रही हूँ कॉलेज। कॉलेज के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड चले गए हैं काम। गाइस, हम लोग का क्लास ओवर हो चुका है, अभी हम लोग घर जाएंगे। हम दोनों ही सिर्फ क्लास में हैं, सब लोग जा चुके हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग भी। डोरंडा में कुछ कुछ काम है वो सब करके फिर घर पहुँचते हैं। और ना इसका भी हाथ में फुंसी हो गया है घोंघे चुनने का, काम लेती हूँ। मेरा तो हमेशा होता है, इस बार नहीं हुआ। मेरा तबीयत अभी ठीक लग रहा है, मतलब बुखार नहीं लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। अब देखते हैं घर जाने के बाद क्या होता है, क्योंकि अभी धूप धूप जाना है। लेकिन मैं ये सूती वाला दुपट्टा लेके आई हूँ, इससे मैं अच्छे से सिर वगैरह को कवर करूँगी, फेस वगैरह को, और ऊपर से हेलमेट भी लगाऊँगी। इतना तेज़ हवा चल रहा है, गरम गरम पहुँचा। कॉलेज से मैं रूम वापस आ चुकी हूँ। रिपोर्ट तो नहीं मिला क्योंकि डॉक्टर नहीं आए हुए थे, डॉक्टर तो शाम में आएंगे, तो शाम में जाऊंगी रिपोर्ट लेने के लिए। अभी तो बहुत तेज धूप है तो अभी झाड़ू पोछा भी नहीं करूंगी। जब कुआं के पास छाया होगा उस समय बर्तन वगैरह क्लीन करना है, वो सब क्लीन करूंगी। बिस्तर वगैरह भी नहीं समेटे हैं, ऐसे ही
सुबह गए थे, शाम में करूंगी धीरे धीरे करके। अभी फिलहाल तो मैं ड्रेस चेंज करूंगी और नोट बनाऊंगी, उसके बाद नोट जब कंप्लीट होगा तो फिर वीडियो एडिट करूंगी, क्योंकि मैं कल भी ब्लॉग नहीं डाली हूँ, बुखार की वजह से एडिटिंग नहीं कर पाई थी मैं, तो वीडियो अपलोड नहीं की हूँ और मेरा ब्लॉग वीडियो पेंडिंग है। मैं 2 दिन पीछे चल रही हूँ क्योंकि गाइस कभी कभी ना एडिटिंग नहीं हो पाता है तो अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो आज मैं एडिट करूँगी, कम से कम 2 ब्लॉग वीडियो में एडिट करने का कोशिश करूँगी। ओके गाइस, तो मिलेंगे आप लोगों से थोड़ी देर में ही, अभी ही जस्ट आई हूँ तो थोड़ा सा मुझे रेस्ट भी करना है, और अभी तो बुखार वगैरह कुछ नहीं लग रहा है लेकिन धूप की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। गाइस अभी बज रहे हैं 7:00 PM और आप सबको गुड इवनिंग, और घर का सारा काम वगैरह ख़त्म करके मैं गई थी मेडिकल, तो ये देखिए मेरा रिपोर्ट आ चुका है। तो ये रिपोर्ट में क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऐसे तो मैं खोली नहीं हूँ इसको, लेकिन डॉक्टर हमको वहीं पर समझा दिए थे कि तुमको मलेरिया तो नहीं है, बस हल्का सा टाइफाइड है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा, 1 सप्ताह दवा खाओगी तो फिर ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल 3 दिन के लिए दवा दिए हुए हैं और 3 दिन के बाद में फिर से डॉक्टर से मिलना है, फिर शायद 1 सप्ताह का दवा मिलेगा, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत तो है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हल्का सा टाइफाइड है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, टाइफाइड ऐसे ही बोलते हैं ना, टाइफाइड। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, चलिए रिपोर्ट देखते हैं, लोगों को भी रिपोर्ट दिखा ही देती हूँ कि क्या है। यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर अ कंप्लीट पैथोलॉजी सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ये सब छोड़िए। देखिए सीरियल नंबर, टेस्ट रिजल्ट, नॉर्मल रेंज देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं है, और इधर देख सकते हैं आप लोग, जिनको देखने आता है रिपोर्ट वो लोग देख लीजिए, क्लियर अक्षर में लिखा हुआ है, और ये नोट सीन दिखा रहा है, एंड ऑफ रिपोर्ट, बस ज़्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं है गाइस, थैंक यू सो मच जीजस। देन इसमें है सुबह शाम खाने के बाद वाला दवा, यहाँ का ना ये चीज़ अच्छा लगता है, जो ये स्टाम्प लगता है, क्योंकि मैं बहुत भूलती हूँ, इसलिए सुबह शाम खाने के बाद ये चीज़ और दोपहर के बाद ऐसा वाला स्टाम्प मिलता है ना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है सुबह शाम, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस इतना ही है, रख देती हूँ इसको, अच्छा से आगे दिक्कत होगा तो मैं दिखा सकूँ। मेरे हस्बैंड तो अभी नहीं आए हुए हैं लेकिन मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, दोपहर में खाना नहीं खाई हूँ और सुबह का खाना है तो ख़राब ना हो जाए, इसीलिए अभी खा लेती हूँ फिर पानी डाल देती हूँ, मेरे हस्बैंड पानी बाद खा लेते हैं, क्योंकि सुबह का खाना है बहुत देरी तक ऐसे ही रहेगा और इतना गर्मी का मौसम है तो ख़राब हो जाता है, और हमको डॉक्टर ठंडा चीज़ खाने के लिए तो मना किए हैं, लेकिन वो चावल तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, सूखा ही है, और सुबह का चावल है, ख़राब भी नहीं है, तो मैं खा लेती हूँ, थोड़ी देर के बाद में दवाई खाऊंगी, और नोट वगैरह कंप्लीट नहीं की हूँ तो वही सब करती हूँ, तब तक शायद मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। 8:15 बज चुका है, आधा मैं नोट बनाई हूँ, गिर रही थी मैं बेड से, और इधर देखिए मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं, इनका बैठने का स्टाइल कुछ और ही है, पानी भात खिला रही हूँ, अंडा ऑमलेट, सुबह का परवल आलू भुंजिया, इसमें पुदीना का चटनी, खत्म करी, बासी होगा चटनी, थोड़ा सा मैं एक खाऊं, सच्ची मैं नोट बना के कंप्लीट कर ली हूँ, और हस्बैंड तो सो गए हैं, मैं भी जाती हूँ अब 10:48, और दवाई वगैरह नहीं खाई हूँ, सुबह शाम बोलते हैं और मैं तो दवा खाने में भी लेट कर देती हूँ। गाइस नोट भी मैं कंप्लीट कर ली हूँ, दवाई भी खा ली हूँ, अब जा रही हूँ सोने के लिए, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।